बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन स्टडीज के ज़रिए आपके पास मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम जो अपना सिलेबस शुरू करवाने जा रहे हैं आपको बेटा, वो आपके एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस है। जी, क्योंकि आपने अभी लास्ट मंथ आपके मिड ईयर एग्ज़ाम्स दिए और आपको रिज़ल्ट मिला। अब आप अपने एनुअल एग्ज़ाम के सिलेबस को जारी करने जा रहे हैं। तो जमात स्वयं, उर्दू की क्लास और हम और आप पढ़ेंगे आपका हिस्सा कवायद। हिस्सा कवायद में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम इस्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा। इस्म क्या है आप जानते हैं, क्योंकि इस्म की तारीफ़ आपने जमात अव्वल में, जमात दोयम में और जमात स्वयं में भी पढ़ी है। जी हाँ, तो क्या है आज का हमारा उन्वान? इस्म। इस्म वो कलमा है जो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम होता है, जो उस शय की, उस शख्स की, उस जगह की पहचान या शनाख्त का बाइस होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम उज़्मा है, आपका नाम हीरा है, शुमाइला है, अहमद है, अली है ना, ऐसे होते हैं ना हम लोगों के नाम। तो ये जो हम लोगों के नाम है ना बेटा, ये दरअसल इस्म है। ठीक है, इससे पहले हमने इस्म की इकसाम पढ़ी थी तादाद के लिहाज से, वाहिद और जमा। फिर हमने जिन्स के लिहाज से पढ़ी, मुज़क्कर और मौनस। आज जो हम इस्म की इकसाम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं मायने के लिहाज से, या यूं कह लीजिए कि इस्म की इकसाम बलिहाज़े मानी। ठीक है, अब इस्म की इकसाम बलिहाज़े मानी कितनी किस्म की होती हैं? तो इस्म की इकसाम बलिहाज़े मानी दो किस्म की होती हैं। कौन कौन सी, आइए हम देखते हैं। नंबर एक, इसमें नकरा, और नंबर दो, इसमें मुआरिफा। कौन कौन सी बेटा? नंबर एक, इसमें नकरा, और नंबर दो, इसमें मारुफा। जी, आइए तो अब इनके बारे में हम जानते हैं कि इसमें नकरा किसे कहते हैं और इसमें मारुफा किसे कहते हैं। बेटा, इसमें नकरा कहते हैं आम नाम को, यानी वो आम बात, वो आम इस्म, वो आम कलमा जो सबका होता है। मिसाल के तौर पे लड़का, लड़की, किताब, शहर, वतन, दरिया, फूल, है ना, ये सारी चीज़ें आम चीज़ें हैं और आम नाम मैंने आपसे यहाँ पर बयान किए। तो इसमें नकरा से क्या मुराद हुई कि इसमें नकरा से मुराद आम नाम है जो किसी भी लड़के का हो सकता है, जो किसी भी लड़की को आप लड़की कहते हैं, किसी भी शहर को आप शहर कहते हैं, ठीक है, किसी भी किताब को आप किताब ही कहेंगे, ऐसा ही है ना बेटा। अब इसके बिल्कुल हम मुतजाद जाएं, ज़िद जाएं, उलट जाएं, तो आता है इसमें मारफा। इसमें मारफा क्या है? इसमें मारफा है ख़ास नाम। जैसे हमने आपको इसमें नकरा में बताया आम नाम, लड़के, लड़की, शहर, किताब। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर आकर उलट कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं। तो लड़का या लड़का, इसका नाम अहमद है, शहरियार है, अली है, वक़ार है, शाहिद है, जाहिद है, हामिद है। अब ये क्या हो गए? ये नाम ख़ास हो गए। अब पूरी क्लास में कोई एक या दो ही अहमद होंगे ना बेटा। सब लड़के क्या कहलाएंगे? लड़के। इसमें आम, इसमें नकरा। लेकिन जब मैं कहूँगी जाहिद, शाहिद, राशिद, तो क्या हो जाएगा? इसमें ख़ास। समझ में आई आपके बात? तो इसमें मारफा क्या है? इसमें ख़ास जो फ़र्द वाहिद की शनाख्त हो, उस पूरे ग्रुप की शनाख्त ना हो, बल्कि फ़र्द वाहिद की शनाख्त हो। मिसाल के तौर पे
शाहिद, हिरा, शहर कराची। अब अगर मैं कहूँ कि ये मेरा शहर है तो ये इसमें नकरा होगा और ये एक आम सी बात होगी, कोई सा भी शहर हो सकता है। लेकिन जब मैं कहूँ कराची मेरा शहर है तो यहाँ पर मखसूस बात हो गई, खास बात हो गई कि कौन से शहर के बारे में बात की गई, कराची शहर के बारे में बात की गई। ये मेरी किताब है तो किताब तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन जब मैंने कहा कि ये मेरी उर्दू की किताब है तो उस किताब की खसूसियत क्या हो गई, उर्दू की किताब। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि ये फूल है तो फूल कोई सा भी हो सकता है, इसमें नकरा, इसमें आम। लेकिन जब मैं कहूँगी ये गुलाब का फूल है, ये मोतिया का फूल है, ये नरगिस का फूल है, ये सूरजमुखी का फूल है ना, या ये गुलाब है, तो वो क्या कहलाएगा, खास कहलाएगा। समझ में आ गई बेटा आपको ये बात। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें नकरा और इसमें मार्फा के पांच पांच नाम अपनी कॉपी में जब आप काम करेंगे पीडीएफ के ज़रिए, तो आपको उस मश्क में अपनी तरफ से सोच के कि इसमें नकरा क्या क्या हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, बेटा पांच नाम लिखें और इसमें मार्फा कौन से हो सकते हैं, वो पांच नाम आप इसमें मार्फा की हेडिंग के साथ अपनी कॉपी में ये काम करेंगे। और एक और अहम बात, जब आप अपनी कॉपीज़ में माह अप्रैल का काम शुरू करने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम माह अप्रैल का टाइटल पेज बनवाते हैं। बिल्कुल सही। तो जब आपकी कॉपीज़ हमारे पास चेक होने आएंगी बेटा, क्योंकि अब आपको एनुअल एग्ज़ाम्स के सिलसिले में कॉपीज़ मार्जिन मिलेंगे, लिहाजा आपको अपनी कॉपी को बहुत तरतीब से, बहुत तरीके से अभी से लेके चलना होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इस्म की इकसाम वाले हाजिमानी। चलिए थोड़ा सा और ग्रामर का बात मुतजाद करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने यहाँ इस्म की इकसाम पढ़ी थी और आपको ये बताया कि इसमें नकरा और इसमें मार्फा एक दूसरे के उलट है ना, इसमें नकरा आम और इसमें मार्फा खास। इसी तरह आज हम मज़ीद प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्फाज मुतजाद की, और हमारे पास यहाँ पाँच अल्फाज हैं। नंबर एक जीत, नंबर दो मर्द, नंबर तीन कामयाबी, नंबर चार बुलंद और नंबर पाँच सच। तो आइए इनके मुतजाद बनाते हैं। जी, जीत का हार, मर्द का जन, कामयाबी का नाकामी, बुलंद का पस्त और सच का, जी हाँ आप सबको पता है सच का होता है झूठ। तो ये अल्फाज मुतजाद ना सिर्फ कॉपी में करेंगे बेटा, बल्कि इनको साथ ही आप याद करते चले जाएं। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा दोहरा देती हूँ। जीत, हार, मर्द, जन। जब हम आदमी लिखते हैं तो उसकी ज़िद लिखते हैं औरत। ठीक है, जब हम फतह लिखते हैं तो उसकी ज़िद लिखते हैं शिकस्त। ये आप आगे की क्लासेस में जाके देखेंगे। कामयाबी, नाकामी, बुलंद, पस्त, पस्त माने नीचे और बुलंद माने ऊंचे, सच और झूठ। तो बेटा ये था हमारा आज का सबकी खाका, जिसमें हमने इस्म की इकसाम वाले हाजे मानी पढ़ी समझी, और आपको इसकी मश्क करनी है और अल्फाज ज़िद हमने देखे और अपनी कॉपीज़ में काम किया। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके दूसरे लेसन के साथ आपसे मुलाकात होने वाली है, और यकीनन जब हम दूसरे लेसन में आपसे मुलाकात करेंगे तो रमज़ानुल मुबारक की आमद हो चुकी होगी, और आप जो बच्चे रखते हैं रोज़े, क्योंकि आप तो अभी छोटे हैं ना, लेकिन जो बच्चे रख रहे होंगे रोज़े उनके लिए मेरी तरफ़ से नेक ख्वाहिशात कि अल्लाह ताला आपको पूरे तक्वा के साथ अपने रोज़े और इबादात करने में कामयाबी अता फरमाए, और रमज़ान की बरकतें, रहमतें आप पे, हम पे, हमारे प्यारे स्कूल पे, हमारे असातिज़ा पे, आपके घर वालों पे, हमारे घर वालों पे अल्लाह पाक नाजिल फरमाए, और हमें और आपको बहुत अच्छी इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। ना सिर्फ अपने वतन की सरबुलंदी के लिए आप
दुआ करेंगे बेटा, बल्कि ये जो वबाई अमराज इस दुनिया में आते हैं, जैसे आजकल एक वबा फैली हुई है कोरोना, और उसकी तीसरी लहर जो कि बहुत ख़तरनाक है, उससे बचने की दुआ अल्लाह पाक से मांगेंगे। क्योंकि या अल्लाह ताला, तू ही हम पर रहमतें और करामतें बरसाने वाला है, तो तू ही हमें इस मर्ज़ से निजात भी दिलाएगा, ये अंदाज़ होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह पाक तो हमारी दुआएं सुनते हैं। और रमज़ान में मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, कि हम जो भी इबादत करते हैं उसका हमें बहुत सवाब मिलता है, और हम जितनी फ़राइज़ के साथ नफली इबादत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं अपने बंदों की इबादत से। तो आप अल्लाह ताला से ज़रूर दुआगो हों, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं ज़रूर सुनेंगे। और इसी आपको रमज़ान की मुबारकबाद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।